सबसे पहले इसकी मेजरमेंट लेनी होती है, जैसे ये हो गया वो 29.7 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या था हमारा 14.8 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें तुरंत यहाँ पे एक वो लगाना होगा बहुत ही एकदम अच्छे से। ये क्या है यहाँ पे 14.8, 1, 5, 6, 7, 8 ये रहा, तो एक मार्क मार दो। ऐसे सेम यहीं पे भी करना है। यहाँ पे गए, थोड़ा सा पीछे लिया, 14.8 पे हमें ये मार देना है मार्क। ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हमें मेजरमेंट लेनी है। इसका आंसर आया 21 आया था। हाँ तो ये 21 आया, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हुआ 10.5। थोड़ा सा अच्छा रखो इसको, यहाँ पे मार्क कर दो। अब यहाँ पे मार्क कर दिया जल्दी जल्दी, यहाँ पे भी है वही मार्क करना है। अब 10.5 यहाँ मार्क कर दिया। अब जल्दी जल्दी बहुत ही तेज से मैं यहाँ पे लाइन बनानी होगी, तो बनी है कोई बात नहीं, यहाँ पर बना दे। हो गया, एक लाइन यहाँ से बन गई, एक लाइन यहाँ से पकड़ा, ये बना हो गया। अब ये लाइन बन गई, थोड़ा नीचे लगा, हाँ तो ये बन गया। अब इसके अंदर हमें मार्क लगाने हैं, बड़े बड़े में छः छः उसके मार्क लगाने हैं। यहाँ से लिया 6 सेंटीमीटर का एक मार्क मार दिया, सेम ऐसे हमने यहाँ से लिया 6 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट मार्क लगा दिया। फिर सी यहाँ पे करना, पर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर करना है, यहाँ पे एक मार्क लगा दो और यहाँ से करना है और इधर को वही से किया। चलो ये मार्क हो गया, अभी सबको काट दो सीजर से। थोड़ा एकदम बारीकी से काट लेती, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ खर्च खराब हो जाएगा। यहाँ से आपको एकदम स्टॉप हो जाएगा, एकदम पूरे 4 सेंटीमीटर पे आप, और यहाँ पे पूरे पूरे 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ से काट दो, हो गया जी। अरे इस पे हमें अब ये करना है, दोनों को ऐसे मिला लेना है, ऐसे मिलाना है कि ऐसे करना है कि दोनों की दोनों सेम रहे। तो इसको हम थोड़ा सा तो लाइट में ले लेते हैं तो थोड़ा सा दिखने लग जाता है। तो ऐसे लाइट लेके हमें थोड़ा सा अंदाजा मारना है, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना होगा। यहाँ पे लिया थोड़ा हल्की सी मार्की मार दी,
लिया, हल्के से यहाँ पे मार के मार दी। यहाँ पे हटाओ, फेविकोल लाओ यहाँ से। इतना था ये, इतना था ना, रुको रुको रुको, नहीं नहीं गलत कर रहा हूँ। ओ मेरे हाथ में लग गया, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी लगा लेंगे। यहाँ से हमें लेना है, फैला देना है, निकलो। यहाँ पे एकदम अच्छे से एकदम लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया, फिर कोई बात नहीं, मैंने सारा लिख लिया। ये किया, अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लेकर हमें पेस्ट कर देना है। इन चारों पे मैंने मार्क कर दिया, अब जल्दी से लेना है इसको। ये कोई भी स्ट्रिप उठा लो, जैसे मैंने ये वाली उठा ली। अब इस स्ट्रिप को हमें ऐसे मार्क करने हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ करते गलती से कर देता मैं। ऐसे लिया, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, कहाँ गया मेरी पेंसिल, दो ये। अब यहाँ पे मुझे इसको मार्क कर देना है। अब ये मार्क हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। ऐसे ऐसे किया मार्क, थोड़ा किया,
फिर उसके बाद जितनी वो जगह बची उसमें अंदर हमें लगा देना है गोंद। अब गोंद चिपकाना है, गोंद नहीं चिपकाना है, ये पूरा ही चिपका देना है। ये हमने चिपका लिया ऐसे करके, ठीक है। तो मैं और सब करके मिलता हूँ आपसे। तो देखिए अब जब ये हो गया है, हमने चारों चिपका दिया अंदर साइड से 2 सेंटीमीटर के। अब ये कप उठाना है, एक कप चाहिए आपको। यहाँ पर हमें प्लस मार्क करना है। अब वो मैं कैसे करूँगा मुझे नहीं पता, अब मैं कर दूँगा बस। तो आपसे कप मार्क करने के बाद मिलते हैं। हाँ तो ये जब हम ऐसे प्लस करके मार्क कर देंगे, फिर उसके बाद हमें बस ग्लू चाहिए, बस अपना काम खत्म ही है। बस इसको स्ट्रिप को सीधा रखना होगा, वरना फिर उसके बाद वही गड़बड़ा जाएगा। मैं वो थोड़ा सा मेरा भी गड़बड़ा गया था जब मैंने किया था। तो इसको हमें पहले तुम नाप सकते हैं, ऐसे ही मार सकते हैं आपकी जो मर्जी। ऐसे लिया, चल जाता हूँ, ऐसे लिया इसको एकदम ऐसे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक चिपकाना है। अभी यही मेजरमेंट ले लीजिए और यहाँ से इसके अंदर गोंद ही गोंद डाल दीजिए। यहाँ से लिया, अब ये गोंद की एक लाइन गई, ये एक लाइन यहाँ गई, हो गया। इसको ऐसे चिपकाना होगा। ये लिया, ये कप लिया। पहला पहले तो बहुत ही आसान रहता है, कहीं से भी चिपका दो, बस वही दूसरे तीसरे चौथे में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे प्लस वाले लाइन में एकदम एग्जैक्ट ऐसे डाल देना है हमें, और जहाँ हमें लगे अरे यार ये तो कम रह गया, तो ऐसा हमें सीधे, मेरा तो थोड़ा सा ही कम है, तो हमें थोड़ा सा और ग्लू डाल देना उसके अंदर। ग्लू डाल दिया, बस अपना हो गया। ऐसे ही चार करने हैं। तो ये बन गया अपना पैराशूट। जब हम चारों यहाँ से चिपका देंगे तो ये पैराशूट बन जाएगा। अभी मेरे देखिए कैसे आराम से गिरा, एक बार मैं उठा के दिखा देता हूँ। देखिए 3, 2, 1 ऐसे ही लैंड करता है। मैंने क्रैश लैंडिंग होती है पर ऐसे ही लैंड करता है, जिस तरफ हवा होगी उस तरफ। इसको फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप किया गया था, मैं तो थोड़ा लेट पहुंचा था तो मेरा लेट आया, वरना ऐसे ही हो। बाय बाय।